नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाजार के पंडित में। तो दोस्तों, बात करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे अमेरिका की तरफ से, और आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्टर बताऊंगा और वो चीज़ आपको एग्जीक्यूट होते हुए देखने को मिलेगी विद इन टू डेज में। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और आज भी देखिएगा आपको जो नेक्स्ट पर्टिकुलर देखिएगा, यहाँ पे हमने चार्ट बताया था वो शॉर्ट कवरिंग का बताया था, और बहुत अच्छी तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लाइक देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 मिनट में आपको 100 पॉइंट की एक सिंगल कैंडल देखने को मिली थी, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 200 पॉइंट का अप ट्रेंड देखने को मिला था 20 मिनट में, और उसके बाद आपको पता है एट द एंड ऑफ द डे हम लोगों ने कम से कम 600 पॉइंट की रिकवरी देखी है, 600 पॉइंट की रिकवरी। तो ये आपको देखिएगा, ये भी दिमाग में रखना है कि कहीं ना कहीं जब ऐसी गिरावट होती है तो बॉटम बनने वाला होता है, तो थोड़ा सा रिस्क लेके वेट करना होता है और बड़ा प्रॉफिट होता है। तो डे एंड तक जिसने भी वेट करा उसको बड़ा प्रॉफिट हुआ, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और ये कल मिस नहीं करना चाहते हैं क्योंकि कल से सर्टेन ट्रेड आएंगे, सर्टेन देखिएगा, सर्टेन एकदम जो चीज़ बोली जाएगी वही चीज़ हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल का, मिस मत करिएगा। तो दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो इस समय पूरी तरीके से जितनी भी अपडेट हैं वो प्राइस इन हो रही हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। बजट से पहले बाजार गिर चुका है, हैवी फॉल हो चुका है फर्स्ट थिंग, और बजट से पहले ग्लोबल सेंटीमेंट भी हैवी फॉल हो चुका है। ग्लोबल सेंटीमेंट में यानी कि जो रात का आउटकम आएगा फेड का, वो भी हैवी फॉल दे चुका है आपको, और ऑलरेडी प्राइस इन हो रहा है। यानी कि क्या बोल देगा फेड, ज़्यादा से ज़्यादा क्या बोल देगा, उसे प्राइस इन कर लिया जा रहा है। जब चीज़ें प्राइस इन हो रही हो ना, तो माइंड को सेट कर लिया करिए कि लाइक इतनी चीज़ें प्राइस इन हो रही हैं और अब मुझे इस तरीके से स्ट्रैटेजी बनानी है। तो बहुत सारी चीज़ें यानी कि यूरोपियन मार्केट हो या फिर देखिएगा आपके एशियन मार्केट हो, ये सारे देखिएगा जो पर्टिकुलर, ये जो आपको केवल 2 दिन में देखने को मिलने वाली है फेड की मीटिंग, 2 दिन में रात में आपको देखने को मिलेगी, अब तो 1 दिन भी नहीं बचा हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये सब प्राइस इन हो रहा है, इसको आपको भूलना नहीं है, वरना अचानक से जो शॉर्ट कवरिंग आएगी उसको आप मिस कर देंगे। तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप देख रहे हैं कि जो भी पर्टिकुलर फेड बोलने वाला है उसका अनुमान बाजार लगाता चला जा रहा है, यानी कि जो भी डिस्टर्बेंस है, जो भी पर्टिकुलर पैनिक है, उसको अच्छी तरीके से बाजार क्या कर रहा है, प्राइस इन कर रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे यूरोपियन मार्केट वर लोअर मंडे एज इन्वेस्टर फोकस ऑन यूएस फेडरल रिजर्व मीटिंग दैट बिगिंस ट्यूसडे। तो आप समझ सकते हैं कल से शुरू होगी। तो आपको भी पता है कि कई सारे फेड के ऑफिशियल्स ने कहा है कि इस बार वाला जो रेट हाइक होगा वो देखेगा अब तक का सबसे छोटा रेट हाइक होगा, यानी कितना होगा, 0.25 का होगा। तो ये अपने में ही एक अच्छी बात है। अब आपको पता है आगे रुकेंगे नहीं रुकेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, डजंट मैटर, बट एट द सेम टाइम जिस तरीके का बाजार एक्सपेक्टेशन कर रहा है या फिर जो सोच रहा है, अगर वैसा ही कुछ देखने को मिलता है तो आप समझ लीजिए बाजार उससे खुश होगा, और जब खुश होगा तो उसका इम्पैक्ट ओवरसोल्ड मार्केट पे पड़ेगा, जो कि ग्लोबली भी देखिएगा अगर आप देखेंगे तो मार्केट ओवरसोल्ड है, और डोमेस्टिकली भी देखेंगे तो आपका मार्केट ओवरसोल्ड है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि इस बार एक जहां पे यहां पे ये जब पॉइंट बोला जाएगा, स्मॉलर रेट इंक्रीज बाय फेड लाइकली एज इन्फ्लेशन क्लूज, तो आप समझ सकते हैं जब ये पर्टिकुलर पोजीशन का जो साइज है यानी कि जो रेट हाइक करने का साइज है इसको कम किया जाएगा, तो ऑलरेडी मार्केट गिरा हुआ है तो मार्केट इससे खुश हो जाएगा, और खुश होने के बाद आपको शॉर्ट कवरिंग देगा। अमेरिकन्स देखिएगा, सेंट्रल बैंक इज एक्सपेक्टेड टू रेज रेट बाय अ क्वार्टर पॉइंट ऑन अ वेडनेसडे, तो आप समझ सकते हैं कि कल के बाद आप पूरी तरीके से क्लियरिटी में आ जाएंगे, और क्लियरिटी देखिएगा आपको बजट वाली भी है, क्योंकि उस दिन बजट में ऐसा तो नहीं होगा कि सब चीज़ें खराबी आ रही हैं बजट में। बजट में बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है, 2-3 एक्सपेक्टेशन तो इतनी अच्छी हैं कि अगर वो उनका एग्जीक्यूशन होता है तो मार्केट उस पर रिएक्ट करेगा, क्योंकि मार्केट टोटली ओवरसोल्ड है। क्या है, टोटली ओवरसोल्ड है। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर आप देखेंगे, फेडरल रिजर्व ऑफिशियल आर वाइडली एक्सपेक्टेड टू रेज इंटरेस्ट रेट बाय अ क्वार्टर पॉइंट देयर मीटिंग दिस वीक फर्दर स्लोइंग वॉट हैड बीन एग्रेसिव पेस ऑफ रेट इंक्रीज, और हो सकता है कि इसमें एक पॉइंट और ऐड हो जाए,
कि फेड ये कह दे कि आगे चल के हम थोड़ा स्लो पेस और हो जाएंगे, और भी स्लो पेस, और फिर हो सकता है एक इंडिकेशन दे दे कि हम कहां पे जाके पॉज होंगे। ये इंडिकेशन अगर कहीं मार्केट को मिल गया तो इससे अच्छी अपडेट मार्केट के लिए नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है 2022 से लेकर अब तक जितने भी रेट किए गए होंगे हाइक, उसमें सबसे छोटा रेट हाइक ये होगा। और अगर आप देखेंगे इसी चीज को मार्केट पचा भी ले रहा है, आपको देखिएगा धीरे धीरे एडजस्टमेंट भी देखने को मिल रहा है, और धीरे धीरे मार्केट पहले से ही गिर गया है, नर्वस हो गया है, ये ज्यादा अच्छी बात है, ताकि कोई नई बात निकल के ना आई तब भी वो पॉजिटिव अपडेट होगी। यानी कि मैं आपको कहता रहता हूं कि अगर कोई निगेटिव अपडेट ना आए तो वो अपने आप में पॉजिटिव अपडेट है, कोई निगेटिव अपडेट ना आए तो उसमें आपको समझ लीजिए वो सारी चीजें पॉजिटिव है। तो अगर आप देखेंगे विल गिव फेड ऑफिशियल मोर टाइम टू असेस हाउ हाई रेट्स नीड टू राइज, हाउ लॉन्ग दे नीड टू स्टे एलिवेटेड टू फुल्ली रैंगल इन्फ्लेशन। तो आपको पता है कि इन्फ्लेशन जितना ज्यादा कूल ऑफ होगा उतना ही ज्यादा देखेगा फेड को अपना कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा, और देन आफ्टर दैट देखेगा वो चीजें बाजार के लिए काफी बेटर होंगी। तो कहीं ना कहीं एक पीक बनने वाला है, एक पीक देखेगा फेड भी डिसाइड कर रहा होगा कि इस पर्टिकुलर पीक से ज्यादा हम रेट हाइक नहीं करेंगे, क्योंकि अमेरिकन्स को भी प्रॉब्लम होने लगी है, स्टूडेंट्स को भी प्रॉब्लम होने लगी है जो बोरोइंग करते हैं, जो पर्सनल लोन ले रहे हैं, जो कार लोन ले रहे हैं, उनकी ईएमआईज को देखिएगा, जो भी पर्टिकुलर देखिएगा पेमेंट होता है उसमें स्ट्रगल होने लगा है। तो कहीं ना कहीं फेड ने कुछ ना कुछ डिसाइड कर रखा होगा, और आपको पता है कि वो पीक बनेगा और उसका इंडिकेशन भी फेड जल्दी देगा। जैसे ही ये कंफर्मेशन मिलेगा मार्केट इस पर रिएक्ट करेंगे, चूंकि ऑलरेडी मार्केट डाउन है, तो बी रेडी फॉर इट, चूंकि ज्यादा दिन बचे नहीं है। ये 3 दिन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, हर एक अपडेट पे फोकस रखिएगा, और पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन ऑन द डोर है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।